हे गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ शिवम सदाम। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने फ़ोन का कोई भी ऐप व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, क्या होता है कि आप अपने किसी फ्रेंड को कोई ऐप शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप से, अगर आसपास में है तो आप उसे किसी भी शेयरिंग ऐप से या ब्लूटूथ से दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप पे ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो वहाँ पे आप अपने फ्रेंड को कोई भी ऐप कैसे दे पाएंगे, इस वीडियो में बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन जो दिख रहा है आप इसे जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आप ये देख पा रहे हैं कि जैसे व्हाट्सएप में शेयर करने का ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट, कैमरा, गैलरी, ऑडियो, पेमेंट, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, ये डायरेक्टली शेयर करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी ऐप शेयर करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं मिलता है। ठीक है, अगर फोटो भेजना है तो गैलरी से भेज लीजिएगा, कोई भी PDF भेजना है तो डॉक्यूमेंट से, लेकिन ऐप को करने के लिए क्या करना होगा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए चलते हैं प्ले स्टोर पर। सो गाइस, प्ले स्टोर पर आना है और आपको ये ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है ऐप बैकअप एंड रीस्टोर। ठीक है, मात्र 2 MB का ऐप है, उससे भी कम का ही है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो डायरेक्टली इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे इंस्टॉल करने के बाद सिंपली हमें ओपन करना है और आगे का डिटेल मैं ऐप के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने इस ऐप को ओपन कर लिया। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको सारा ऐप दिखाई दे रहा है आपके सिस्टम का। ठीक है, और आपको जो भी शेयर करना है यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और इसका साइज़ आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, 4.2 MB का है और जितने भी ऐप हैं आपके फ़ोन में वो सारा आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। 50-60 मेरे फ़ोन में जो भी ऐप है वो सारा दिखाई दे रहा है। अब आपको जितने भी शेयर करना है, मान लीजिए मैंने इस पर टिक कर दिया और नीचे आप देखेंगे तो आपको बैकअप का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली आपको करना है बैकअप पे। कुछ टाइम लिया और ये बैकअप हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे आर्काइव लिख दिया है। अब हमें क्या करना होगा, बगल में आर्काइव सेक्शन है वहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे आर्काइव सेक्शन में आ चुका है और इसको किसी को शेयर करना है व्हाट्सएप के थ्रू तो सिंपली फिर से यहाँ पे टिक का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। और टिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखिएगा तो आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, सबसे नीचे में प्ले स्टोर के बगल में, तो इस पर क्लिक किया। अब यहीं से आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे शेयर करिए या ईमेल से करिए, कहीं से भी करिए। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे बताता हूँ, सिंपली आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। अब आपको जिसको भी ये ऐप शेयर करना है उस पर क्लिक कर देना। तो मान लीजिए मैं इसे भेजता हूँ, ये देखिए हमारा ऐप जाने लगा। ठीक है, 4 MB का ऐप है और ये कितना भी MB का ऐप हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऐप इस तरीके से जाएगा और सामने वाला बंदा इस पर क्लिक करेगा, इंस्टॉल करेगा और जैसे आप यूज़ करते हैं वैसे वो यूज़ कर पाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है, सो गाइस इस तरीके से आप ऐप को बैकअप करिए, जो ऐप मैंने बताया उसमें जाके बैकअप करिए और किसी को भी शेयर कर दीजिए। सिंपली जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप व्हाट्सएप पे किसको ऐप भेजना चाहते हैं तो बड़े आसानी से भेज सकते हैं। तो देखिए हमारा जो ऐप था आरोग्य सेतु का वो चला गया है, सामने वाला बंदा इसे इंस्टॉल करेगा और जैसे आप यूज़ करते थे वो यूज़ कर पाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।